तो हेलो गाइस, मैं सुनैन और आप देख रहे टेक्नो एसपी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं जो आप लोगों को एक क्लाउड बेस्ड नोड एप्लीकेशन का पूरा ट्यूटोरियल दे दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो या हमारा चैनल का प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। वहाँ पर जो पूरा जो है स्टार्ट से लेकर एंड तक ट्यूटोरियल दिया हुआ है, आप लोग कुछ नया सीखने के लिए मिल जाएगा उस वीडियो से। तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ बताया है कि मैं जो ये एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में भी अपलोड करके आप लोगों को दिखाऊंगा और वो जो है अप्रूव करने के बाद ही मैं आप लोगों को दिखा सकता था, इसलिए थोड़ा सा अप्रूव होने में टाइम लग गया क्योंकि यार थोड़ा लॉगिन वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा था। अपना जो गूगल प्ले कंसोल में जब मैं डिटेल्स दिया था तो उन लोगों को जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो मैंने थोड़ा बहुत मैनेज करके उसके बाद जो है अपना जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली अपलोड कर दिया था। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग भी सक्सेसफुली आपका जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर में अपलोड कर सकते हो। हाँ, और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अपलोड करने आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है गूगल प्ले कंसोल के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में अपना एप्लीकेशन डालना है तो आप लोगों को $25 पहले देना होगा। आप लोग सोच रहे हो एक एप्लीकेशन के लिए देना पड़ता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग $25 दोगे और आपका अगर एप्लीकेशन में उल्टा सीधा कुछ नहीं रहेगा, अगर आप उल्टा सीधा काम नहीं करते हो एप्लीकेशन के द्वारा, तो आपका जो है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा। मतलब $25 होगा वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाला है आप लोगों को। मैंने ये जो $25 था वो कुछ 2019 में मैंने पे कर दिया था, मतलब तब मैं जो स्क्रैच से बनाता था एप्लीकेशन से, ठीक है। तो ऐसा मेरा बहुत सारे एप्लीकेशन से मैंने अपलोड भी किया था, बहुत अच्छा खासा डाउनलोड भी आ चुका था कुछ एप्लीकेशन में, क्योंकि मैंने जो है थोड़ा सा गेमिंग रिलेटेड भी कुछ एप्लीकेशन बनाया था और तब जो है गेमिंग एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा था। अभी तो बैन वगैरह का सीन है, ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन है। तो गाइस, आप लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को पहले प्रोजेक्ट में लेके बताता हूँ कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को आ जाना है, मतलब आप अपने जो एप्लीकेशन है पूरा फिनिश कर चुके हो, सब कुछ चेक कर चुके हो, मतलब रन वगैरह करके, तो यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है यहाँ पर बिल्ड पे। तो बिल्ड पे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जेनरेट साइंड बंडल और एपीके देखने के लिए मिल जाएगा, इसको आप लोग क्लिक करना, ठीक है। कि क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या बोलेगा आप लोगों को, ये जो है रिकमेंडेड है कि आप लोग जो है एज ए बंडल उसको अपलोड करो। इससे क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन का साइज होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और यूज़र के लिए भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि यार थोड़ा सा कम एप्लीकेशन मतलब साइज जो है मैनेज करना पड़ता है, उसका फ़ोन भी लैग वगैरह नहीं करता है, तो ऐसा सीन है, ठीक है, ऐसी बात है। तो इसीलिए मतलब आप लोग जो एप्लीकेशन का बंडल सिस्टम है, मतलब जो है .abb फाइल है शायद, तो उसको आप लोग अपलोड कर सकते हो। वो खुद आपका जो यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो है वो ही प्रोवाइड कर देता है, मतलब बना कर दे देता है, या आप लोग यहाँ पर APK फाइल बना सकते हो, जो भी है आप बना सकते हो। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर जो है उसके बाद आप लोगों क्या एक की स्टोर जो है आप लोग क्रिएट करना है। देखो, मेरा पहले से जो है की स्टोर क्रिएट किया हुआ है तो मैं नहीं करूँगा, आप लोग करोगे तो यहाँ पर क्रिएट न्यू है, तो क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। आपका जो है एक पासवर्ड देना है, आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, पर याद रखना है आप लोगों को। इससे क्या होता है कि आप ने जो ये एप्लीकेशन बना है ये एप्लीकेशन आपका ही है, आप जो है रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है। आपका नाम देखोगा, सब कुछ देना है, आपका नाम, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम और कौन से सिटी में है, कौन से स्टेट में है, कौन से कंट्री में, सब कुछ देख के आपको रजिस्टर करना है आपके नाम पे ये एप्लीकेशन, ठीक है। ये मतलब ऐसे नॉर्मल सा है, अगर आप लोग साइन नहीं करोगे तो आप लोग प्ले स्टोर में अपलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर सारे डिटेल्स देके क्रिएट कर लेना है की स्टोर, उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद बताएगा कि आप लोग डीबग के लिए यूज करना चाहते हो या रिलीज के लिए यूज करना चाहते हो। तो अभी हम लोग रिलीज करना चाहते हो ऑब्वियसली, तो यहाँ पर जो हम लोग रिलीज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पर पहले तो ग्रेडल बिल्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर जो है उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को ये जो एप्लीकेशन है या आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर सेव हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कब तक टाइम लगता है, तब तक मैं आप लोगों को अपने जो कंसोल अकाउंट है उसको खोल कर दिखा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप हमारा जो कंसोल अकाउंट है यहाँ पर देख सकते हो, हमारा जो एप्लीकेशन है वो लिखा हुआ है 1 एक्टिव डिवाइस, ज़्यादा डाउनलोड हुआ नहीं है तो मैंने CR वगैरह नहीं किया अभी तक, तो बाद में करके जो है इसका डाउनलोड थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, ऐसे जो फास्ट टाइम पर थोड़ा सा कम डाउनलोड्स होता है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा एप्लीकेशन, आप लोग देख सकते हो एक ही डाउनलोड है अभी, मतलब मैं खुद ही डाउनलोड किया हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा एप्लीकेशन है, मतलब आप लोग देख सकते हो सक्सेसफुल यहाँ पर अपलोड हो चुका है, ठीक है, अभी रिव्यू पे नहीं है, ठीक है। और मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था कि रिव्यू पे है, तो अभी जो सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है, ये जो अपना जो गूगल प्ले कंसोल है उनके टीम का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आपका एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, ये मतलब उनका ही प्रॉब्लम है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है, ऐसा सीन है।
तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा कंप्लीट हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि साइन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के अंदर वो इंजेक्ट होता है वो फाइल, ठीक है, ऐसा सीन है। ओके, बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो, उसके बाद ये सब स्क्रीन शॉट वगैरह कैसे आप लोग अपलोड कर सकते हो, इस यहाँ पर आप लोग वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्रीन शॉट। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे गेम्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि मैं अभी सर्च कर देता, अभी तो BGMI वगैरह है नहीं, तो मैं जो है यहाँ पर क्या सर्च करूँ, पबजी न्यू स्टेट सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको सर्च करने के बाद ऐसे आप लोग देख सकते हो, ये एप्लीकेशन में वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, मतलब वीडियो से आप लोग समझा सकते हो कि अपना एप्लीकेशन कैसे काम कर सकते हैं। उसको भी ऐड करना मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ पर फ्री फायर में भी देख सकते हो, जितने भी गेम्स हैं ज़्यादातर गेम्स में जो है आपको वीडियो करके दिखा दिया जाता है कि ऐसा ऐसा काम करता है अपना एप्लीकेशन, ठीक है। ओके, बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो हम लोग पैक करके अपने एप्लीकेशन में आ जाते हैं, ठीक, आ चुके हैं। ओके, बढ़िया बात है। तो अभी तक हो रहा है क्या ये? अच्छा, मतलब इतना टाइम लगाता है, देख रहे हैं गाइस। ठीक है, फिर भी हम लोग और थोड़ा वेट कर लेंगे, तो अभी अभी हो जाएगा शायद। और यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया था, मतलब जो साइन इन वाला था पहले मैंने सिर्फ गूगल वाला साइन इन आप लोग को इम्प्लीमेंट करके दिखाया था, बाद में जो है अब मैंने मैनुअल साइन भी इम्प्लीमेंट करके जो है अपना एप्लीकेशन है उसको क्या किया था, पब्लिश किया था। ओके, तो यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो जेनरेट साइंड बंडल लिखा हुआ आ रहा है और गेटेड बिल्ड भी हो चुका है, 2 मिनट 15 सेकंड लगा है। तो यहाँ पर हम लोग लोकेट करेंगे, लोकेट करने के बाद आपका जो फाइल है ये खुल जाएगा और यहाँ पर देख सकते हो अपना जो .abb फाइल है ये जो है क्रिएट हो चुका है। और ये मैंने बहुत पहले क्रिएट किया था, देख सकते हो 19 तारीख को क्रिएट किया था और अभी जो क्रिएट हुआ है ये है, देख सकते हो यहाँ पर 29 अगस्त को क्रिएट हुआ है, शायद आप लोग को 30 अगस्त को देखने के लिए मिल रहा है ये वीडियो। ओके, तो ठीक है, तो अभी हम लोग इसको करते हैं क्लोज। तो यहाँ पर क्लोज नहीं करते, इसको रखने देते हैं, ठीक है, इसको अभी हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, अभी यहाँ पर इसको भी हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं। अभी हम लोग अभी प्ले कंसोल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, पहले जो है आप लोगों को आ जाना होता है, पहले मतलब जब आप लोग नया प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर आते हैं। उसके बाद अभी हम लोग ऑल एप्लीकेशन में आ जाएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने जो है अपलोड किया है तो ऐसे देख सकते हो। तो यहाँ पर क्रिएट ऐप जो है आप लोग करना है, पहले एप्लीकेशन का नाम देना है, उसके बाद आपका लैंग्वेज दे देना है, इंग्लिश ज़्यादातर टाइम इंग्लिश होता है, और आपका एप्लीकेशन का टाइप दे देना है, आपका ऐप है या गेम है तो आपका ऐप रहता है, मतलब ये एप्लीकेशन ऐप है तो ऐप देंगे, और आप फ्री रखना चाहते हो या पेड रखना चाहते हो। अगर फ्री रखोगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा ज़्यादा, पेड रखोगे तो आपको बताएगा कि आप कितने पैसे से चार्ज करना चाहते हो। तो अभी तो नहीं बता रहा है, अगर आप उसके बाद जब क्रिएट करोगे उसके बाद आप लोगों का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का से डिफाइन कर देना सब चीज़ें, और उसके बाद आप लोगों को जो है पॉलिसीज वगैरह को ऑब्वियसली जो है टिक करना है, नहीं तो कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ओके, तो ऐसा सीन है, मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है तो मैं उस एप्लीकेशन से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स दे देना है, और देने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अच्छा ये हमारा अलग वाला एप्लीकेशन, ये जी हमारा ऑफलाइन, मतलब जो है ऑफलाइन नोड वाला एप्लीकेशन है, क्लाउड बेस्ड नहीं है। और यहाँ पर ये रहा हमारा क्लाउड बेस वाला जो हम लोगों ने तुरंत मतलब कुछ दिन पहले बनाया था। ओके, ठीक है, बढ़िया बात है। तो यहाँ पर आप लोगों को कहाँ पे आना है, तो यहाँ पर आप लोगों को पहले आ जाना है आप लोगों का स्टोर पे, मतलब यहाँ पर स्टोर प्रेफरेंस देख सकते हो, इसके अंदर आप लोगों को आ जाना है, मतलब जो ग्रो लिखा हुआ है इसके अंदर आप लोगों को आ जाना है। उसके अंदर आने के बाद आप लोगों को मेन स्टोर लिस्टिंग देखने के लिए मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद एप्लीकेशन का नाम देना है, और उसके बाद एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है जो 80 वर्ड के अंदर होना चाहिए, 80 वर्ड या मतलब क्या बोलते हैं 80 लेटर्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सीन है, 80 लेटर्स के अंदर होना चाहिए, और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जैसे आप लोग अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओ अपने एप्लीकेशन, ठीक है, अच्छे से मतलब क्या शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या दिया है, क्लाउड नोट्स इज ए क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन टू मेक एंड अल्टर टेक्स्ट नोट्स, ठीक है, ऐसा है। और उसके बाद आप लोग एक फुल डिस्क्रिप्शन देना है कि आपका जितने फीचर्स है अपने एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ डिफाइन करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर दे दिया था अपना फुल डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर 4000 वर्ड आप लोग मतलब 4000 जो है आप लोग लेटर यूज कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा आप लोग दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़्यादा आप लोग दोगे तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका जो सर्च इंजिन ऑप्टिमाइज जैसे मतलब SEO है वो थोड़ा सा ऊपर में जाता है रैंकिंग, अगर आप अच्छा खासा जो है अपने एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो ऐसा मैटर करता है। ओके, उसके बाद आप लोग ऐप का जो आइकन है उसको जो है अपलोड करना है, ये कितना होना चाहिए, ये जो है 512px होना चाहिए, ठीक है। आप लोग अपना जो डिवाइस से भी कर सकते हो, लैपटॉप या कंप्यूटर से, मैं क्या करता हूँ अपना लोगो अपने मोबाइल से बनाता हूँ, और वहाँ पर जो पिक्सआर्ट होते हैं तो पिक्सआर्ट से, या जो है अपना एक एप्लीकेशन है
फोटो क्रोपर करके या फोटो रिसाइजर करके, तो उसमें जो है अपना जो ये जो साइज है उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो मोबाइल से करता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल रहता है और इजी रहता है। तो यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल से ये जो है लोगो बनाया था। उसके बाद क्या था, यहाँ पर जो है आप लोगों को एक जो है ऊपर में आता है, ये पहले आता था ये वाला फ़ोटो, पर अभी अगर आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पर ये वाला फ़ोटो तो आप लोगों को कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर आप लोगों को बस अपलोड करना है, नहीं तो आप लोग नेक्स्ट पेज पर नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक फीचर ग्राफिक्स अपलोड करना है, जिसका जो साइज क्या होने वाला है, 1024px to 100, मतलब 500px होने वाला है, ठीक है। इसको आप लोग अपलोड कर देना है, पर ये आपका एप्लीकेशन जहाँ पर शो करता है वहाँ पर कभी भी शो नहीं करेगा, ठीक है। ये पहले शो करता था, अभी के टाइम पे नहीं शो करता है। तो ऐसा आप लोग अपलोड कर देना, अच्छा खासा अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मैंने थोड़ा सा चीप, थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर आप लोग, मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था कि अगर आप लोग अपना जो एप्लीकेशन है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो सबके सामने, तो यहाँ पर अपना यूट्यूब का लिंक दे सकते हो, या आपका जो भी लिंक है वीडियो का वो आप लोग दे सकते हो। यूट्यूब का लिंक दोगे तो अच्छा होता है कि अपना जो एप्लीकेशन है उसको पता चल जाता है, मतलब गूगल का ही यूट्यूब है, तो यूट्यूब से क्या होता है कि वो वीडियो को फेच करके डायरेक्टली आप लोग को दिखा पाता है अपने जो प्ले स्टोर है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसका काम भी हो चुका है। उसके बाद आप लोग को स्क्रीनशॉट देना है, आप लोग हाईएस्ट 8 स्क्रीनशॉट दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 8 स्क्रीनशॉट लेके उसको थोड़ा सा कस्टमाइज किया हो, और कस्टमाइज करने के बाद यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट को अपलोड कर दिया हो। और इसका भी साइज आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इस साइड लिखा हुआ है, देख सकते हो 16:9 या 9:16 जैसे में होना चाहिए, और इससे कम और इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ओके। उसके बाद आप लोग जो है टैबलेट्स के लिए स्क्रीनशॉट देना सकते हो। उसके बाद जो है अपना 10 इंची टैबलेट के लिए भी दे सकते हो, ऐसा सीन है, 7 इंच और 10 इंच दोनों के लिए आप लोग अलग अलग स्क्रीनशॉट दे सकते हो। मेरे पास कोई टैबलेट नहीं है, तो मेरे को बस फ़ोन का स्क्रीनशॉट मिला था, तो मैंने फ़ोन का दिया है। और ये एप्लीकेशन मैंने ऐसे बनाया था कि आप लोग जो है इसको टैबलेट में भी अच्छे से चला पाओ, ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाया था, ये एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी मैं अगर चाहूँ तो ये सब भी अपलोड कर सकता हूँ, पर आप लोग को फ़ोन का जो स्क्रीनशॉट है वो तो देना ही है, नहीं तो जो है आपका एप्लीकेशन आप लोग जो है नहीं कर पाओगे क्रिएट, ठीक है। इसको करने के बाद आप लोग इधर एक सेव का बटन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग को सेव कर देना होता है। आप लोग जो है ये सब ध्यान से पूरा करना, किसी से कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि कॉपी पेस्ट करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को वार्निंग आ जाएगा और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर से आप लोग को बोलेगा कि फिर से सही करके भेजो, ठीक है, ऐसा बोलेगा, ओके। तो यहाँ पर इसका काम हो चुका है, ये जो है नॉर्मल है, ये तो हो चुका है। उसके बाद दो चीज़ बहुत ज़्यादा वाइटल है जो आप लोगों को करना है, एक है प्राइवेसी स्टेटस, ठीक है। इसके अंदर आप लोग आ जाओगे तो यहाँ पर मेरा कोई भी प्राइवेसी स्टेटस में ख़राबी नहीं है, नो इशू फाउंड लिखा हुआ है। और यहाँ पर ऐप कंटेंट में आप लोग आ जाना है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सबमिट करना है। पहला क्या है, पहला आप लोगों का जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको सबमिट करना है, कि आपका एक प्राइवेसी पॉलिसी आप लोग को बनाना है। और उसको जो है उसको एक आपका, मैंने जो है एक ब्लॉगर का अकाउंट बनाया था फ्री का, वहाँ पर पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका खोल के दिखा देता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी अपने एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन का ये प्राइवेसी पॉलिसी है, ये आप लोगों को बना लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑटो जेनरेट प्राइवेसी पॉलिसी मिलता है, शायद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग बस सर्च कर लेना, क्रिएट प्राइवेसी पॉलिसी, और मोबाइल ऐप, ओके ओके, यहाँ पर आ चुका है। मैं कहाँ से बनाता हूँ, मैं यहाँ से बना लेता हूँ। ये फायरबेस का, गूगल का खुद का है, ठीक है। ये रहा, देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो फायरबेस का है खुद का। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से बना देता है, आप लोगों को प्राइवेसी पॉलिसी ही बना देता है, प्लस जो है टर्म एंड कंडीशंस भी बना देता है, जो बहुत ही अच्छी बात है, ओके ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को सारे डिटेल्स देना है, आपका एप्लीकेशन नाम है, आपका एप्लीकेशन का टाइप क्या है, फ्री में है कि नहीं, आपका एप्लीकेशन कौन से, मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आईओएस एप्लीकेशन है। और आप लोगों को पूछेगा कि आप लोगों का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर, इसके बाद आपका नेक्स्ट करेंगे तो बोलेगा कि आपके एप्लीकेशन में एड्स वगैरह रन कर रहा है कि नहीं, तो वो सब भी पूछ लेता है। तो ऐसे हमारा जो ये एप्लीकेशन है उसमें मतलब कोई एड्स रन नहीं करता है, पूरा फ्री एप्लीकेशन है, तो ऐसा सीन है। तो इसीलिए ऐसे आप लोग क्रिएट कर सकते हो फ्री में, आप लोगों का ऐसे पूरा लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ओके, बढ़िया बात है। उसका भी हम लोग क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या, कैसे क्या बताया आप लोगों को मैं, कि प्राइवेसी पॉलिसी को अपलोड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को मेंशन कर देना है कि आपने कोई एड्स वगैरह का यूज किया है कि नहीं,
अगर आप लोग एड्स का यूज किया अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पर आप लोग को मेंशन कर देना, एक बार यहाँ पर मैंने अपलोड किया है एप्स डज नॉट कॉन्टेंट्स एड्स, ठीक है, ये हम लोग का सबमिट हुआ था, आप देख सकते हो। उसके बाद आप लोग को ये बहुत ज़्यादा वाइटल है और इसके लिए मतलब मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़े। उसके बाद आप लोगों को ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जो साइन इन करने का प्रोसेस है, तो एक आपको जो है सैम्पल क्या ईमेल आईडी और पासवर्ड बना के रखना है, जो आप लोग यहाँ पर ऐप एक्सेस में अपलोड कर पाओ, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिया था, तो आप लोग को मैं मैनेज करके दिखाऊँगा। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा था, अगर आप लोगों का एप्लीकेशन कुछ साइन इन वगैरह नहीं है, तो आप लोग जो है इजीली जो है यहाँ पर ऑल फंक्शन इज अवेलेबल विदाउट स्पेशल एक्सेस करके सबमिट कर सकते हो। अगर आपके एप्लीकेशन में साइन इन करने का ज़रूरत पड़ता है, तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर प्लस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहले जो है अपना जो इंस्ट्रक्शन है उसका नाम आप लोग डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने वहाँ पर साइन इन किया था। उसके बाद आप लोगों को जिस आईडी से अपना जो टेस्टर है, जो टेस्ट करेगा अपना एप्लीकेशन कि सब कुछ सही है कि नहीं, वो जो है जिस ईमेल आईडी से लॉगिन करने वाला है, उस ईमेल आईडी को आप लोगों को डिफाइन कर देना है, और पासवर्ड भी आप लोगों को डिफाइन कर देना है, और आप लोगों को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देना है कि आपका एप्लीकेशन में साइन इन बटन क्लिक करोगे तब भी। उसके बाद जो है जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया था, आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्लिक साइन इन बटन, देन एंटर द ईमेल इन द फर्स्ट लाइन, देन एंटर द पासवर्ड इन द सेकेंड लाइन, प्लीज एंटर पासवर्ड करेक्टली अदरवाइज इट विल शो अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने इसे मेंशन कर दिया था, और इसको मेंशन करने का एक रीज़न था, क्योंकि जब बंदे ने टेस्ट किया था ना, तो उसने पासवर्ड गलत दिया था और मुझे जो है अपना एप्लीकेशन रिजेक्टेड दिखा रहा था। तो मैंने ये अच्छे से डिफाइन कर दिया था कि अच्छे से जो है अपना पासवर्ड दे देना टेस्ट करने के टाइम पे, और देन साइन इन बटन टू लॉग इन टू द एप्लीकेशन, ठीक है। ऐसा मैंने डिफाइन कर दिया था कि ऐसे ऐसी चीज़ करना होगा तब भी आप लोग का साइन हो जाएगा। तो ऐसे मेरा भी काम हो गया था इस बात पे, ठीक है, बढ़िया बात है, ठीक है। यहाँ पर ऐप एक्सेस भी हो चुका है, यहाँ पर हम लोग बैक करते हैं और क्या सीन है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, अपना जो कंटेंट रेटिंग देना है। ये कंटेंट रेटिंग क्या होता है, पकड़ लो कि आपका जो एप्लीकेशन है वो जो है 13 साल के नीचे वाले लोगों के लिए भी अवेलेबल रहेगा, तो आप लोगों को जो है उस हिसाब से अपना जो सब सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मैनेज करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका जो IARC स्टेटस है वो कम्प्लीटेड है, और यहाँ पर जो है आप लोगों का 3+ मिला है, तो आप लोग समझ लेना कि जो एप्लीकेशन है सेव है, ठीक है, सेव एप्लीकेशन है, कोई उल्टा सीधा चीज़ें नहीं है, आप लोग जो है अच्छा खासा कंटेंट दिए हो। ये सर्टिफिकेट आप लोग को ज़रूरी होता है, यहाँ पर देख सकते हो IARC सर्टिफिकेट आईडी भी आप लोग को मिल गया है, तो इसको जाके आप लोग चेक भी कर सकते हो इस आईडी से कि आप सर्टिफाइड एप्लीकेशन यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो और आपका एप्लीकेशन सर्टिफाइड है कि नहीं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट न्यू करेंगे, तो यहाँ पर जो है आप लोग को फिर से अपना जो एप्लीकेशन का स्टेटस, एज वगैरह, मतलब कौन से एज के लोग यूज कर पाएंगे, तो ये सब आप लोग को सबमिट करना होगा, बढ़िया बात है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बैक करते हैं। उसके बाद क्या है, टारगेट ऑडियंस दे देना है और कंटेंट दे देना है, मतलब आप लोगों का आपका जो एप्लीकेशन है उसका कंटेंट, जैसे कि मेरा नोड एप्लीकेशन है, ठीक है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि मैंने मेरा नोड एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन का जो कैटेगरी है वो है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग का गेम है, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अलग से आएगा, जैसे कि आपके एक्शन गेम या जो है एडवेंचर गेम, ऐसा आप लोग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपका एप्लीकेशन सोशल मीडिया है, तो आप लोग यहाँ पर सोशल मीडिया सेलेक्ट करके जो है अपलोड करना, मैं आप लोगों को मैनेज में अगर होगा तो दिखा देते हैं, अगर शो करता है तो यहाँ पर देख सकते हो। तो पहले यहाँ पर जो है देख सकते हो टारगेट ऑडियंस आप लोगों को सिलेक्ट करना है, फिर मैं देख नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोट योर स्टोर लिसनिंग अपील टू चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के लिए अपील करो, ये चिल्ड्रेन के लिए बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पर नो किया था। और उसके बाद जो है सब कुछ ठीक था, उसके बाद आप लोग को सेव कर देना था, ठीक है, बढ़िया बात है। तो अभी हम लोग पैक करते हैं, और उसके बाद आप लोगों को करना है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो न्यूज एप्लीकेशन है कि नहीं। तो मेरा न्यूज एप्लीकेशन नहीं था, तो मैंने ऐसे मतलब सबमिट किया। उसके बाद आप लोगों को COVID-19 वाला एप्लीकेशन है कि नहीं, ये भी आप लोगों को सिलेक्ट करना था, क्योंकि क्या पता है बहुत सारे लोग जो है COVID-19 के टाइम पर बहुत सारे एप्लीकेशन फेक अपलोड किए थे, COVID-19 के रिपोर्ट फेक दिखा रहे थे, तो उसके लिए जो है ये बता दे रहा है कि यार अगर आप लोगों को एप्लीकेशन अपलोड ही करना है, तो पहले से बता दो कि आप लोगों का जो एप्लीकेशन है COVID-19 रिलेटेड है कि नहीं। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे एप्लीकेशन ज़्यादातर सोसाइटी में पैनिक क्रिएट कर सकता है, अगर आप उल्टा सीधा इन्फॉर्मेशन दोगे। इसीलिए देख सकते हो न्यूज़ का भी और COVID-19 का, दोनों का ही आप लोग को सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग को डेटा सेफ्टी का यहाँ पर ये आप लोग को सबमिट करना होता है।
तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पे डेटा स्टोर करता है, आप लोगों का डेटा ब्रीच होने का चांसेस है कि नहीं, उसको आप लोगों को जो है सबमिट करना है, ठीक है। और लास्ट में बता रहा है कि एडवर्टाइजिंग आईडी, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट यूज नहीं किया हो तो एडवर्टाइजिंग आईडी नाम से कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर मैं मैनेज करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एंड्रॉयड 13 इंट्रोड्यूस चेंज टू एडवर्टाइजिंग आईडी, और लिखा है दिस इंक्लूड एनी एसडीकेस दैट योर एप्लीकेशन इंपोर्ट्स दैट यूज एडवर्टाइजिंग आईडी, तो यहाँ पर मैंने नो करके सिलेक्ट करके फिर सबमिट कर दिया था। ओके बढ़िया बात है, तो अभी हम बैक करते हैं। तो यहाँ पर इसका काम हो चुका है, पकड़ लो कि आपका लगभग सारे काम हो चुका है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ऐप के प्राइसिंग में आ जाना है, और आप यहाँ पर जो है देख सकते हो, ओके योर एप्लीकेशन अवेलेबल फॉर फ्री ऑन प्ले स्टोर एंड कांट बी चेंज टू पेड। अगर आप लोग एक बार अपना एप्लीकेशन को फ्री रिलीज कर दिए, उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को पेड नहीं कर पाओगे, ओके ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अगर आप कोई एप्लीकेशन पेड करके रिलीज करते हो तो उसको आप लोग फ्री बना सकते हो, पर फ्री एप्लीकेशन को पेड नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद बोल रहे इन ऐप जो है कोई प्रोडक्ट वगैरह है कि नहीं, तो उसके लिए आप लोग को अलग से एपीके इंस्टॉल करना है। जैसे कि होता है ना, आपका जो एप्लीकेशन रहता है, जैसे कोई गेमिंग एप्लीकेशन होता है या आपका जो हॉटस्टार वगैरह होता है, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए एक अलग सा ऑप्शन मिलता है, तो उसी का जो सिलेक्शन के लिए आप लोग को ये एप्लीकेशन दिया हुआ है कि आप अगर इन गेम परचेस करते हो तो आप लोग जो है एप्लीकेशन को अलग से यहाँ पर अपलोड कर लो। तो वहाँ पर ऊपर एकदम साफ साफ लिखा है ऑफर प्रोडक्ट्स फॉर सेल इन योर ऐप फॉर ए वन ऑफ चार्जेस, ठीक है। चार्जेस ये लोग काटेंगे, लाइक एक्स्ट्रा लाइव और एक्सेस टू द प्रीमियम कंटेंट, ठीक है। अगर आप लोग चार्ज करते हो तो यहाँ पर जो आप लोग उस एप्लीकेशन को अपलोड कर दो, ठीक है, ऐसा सीन है, बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो है लगभग हम लोगों का सारा काम हो चुका है, और उसके बाद आप लोगों को आ जाना होता है आप लोगों का जो कहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखाया था यहाँ पर प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एपीके को अपलोड करना होता है, क्योंकि अभी तक आप लोग देखे हो कि एपीके अभी तक हम लोग अपलोड नहीं किया है। तो अभी जो है हमारा जो एपीके का वर्सन क्या दिखा रहा है, 4 और यहाँ पर जो है 1.0.2, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर कहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपना प्ले स्टोर में आके, मतलब आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसके अंदर आने के बाद बिल्ड डॉट कैडल के अंदर आ जाना, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो वर्सन कोड क्या है, 4 है। तो यहाँ पर देख सकते हो अपना जो वर्सन कोड है वो 4 है, और इसका नाम क्या दिया था मैंने, वर्सन है 1.0.2। तो यहाँ पर देख सकते हो 1.0.2, ओके यहाँ पर रिलीज के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो अपना जो एप्लीकेशन है ऐसे करना है, क्रिएट न्यू रिलीज करना है, और करने के बाद पहले आप लोगों को जो बंडल था, ये जो बंडल है इसको आप लोगों को यहाँ पर छोड़ देना है, और यहाँ पर मुझे बताएगा कि इस पैकेज नेम से और इस जो है आप लोगों का क्या है वर्सन कोड से पहले से एप्लीकेशन आप लोग अपलोड करके रखे हो, ये ज़रूर बताएगा, आप लोग देख लो, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3-4 MB का एप्लीकेशन है, ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं है। हालांकि ये एप्लीकेशन जब मैंने पहले बनाया था तो 10 MB का था, पर यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि .aab में अगर आप लोग जो है अपलोड करोगे तो एप्लीकेशन जो साइज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो होगा या जो यहाँ पर प्रोसेस होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ओके ऐसा सीन है। यहाँ पर जो है अपलोड हो रहा है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक हम लोग कुछ अलग काम कर लेते हैं, और अलग काम तो कर नहीं सकते हैं, ओके देखते हैं कब तक जो अपलोड हो जाता है। मुझे तो नहीं लगता अपलोड होगा, क्योंकि मैंने वर्सन कोड चेंज नहीं किया था। वर्सन आप लोग यहाँ पर अगर वर्सन कोड 4 है तो अगर आप लोग 5 करना चाहते हो तो 5 करके अपलोड कर सकते हो, पर सेम वर्सन कोड या प्रीवियस वर्सन कोड में आप लोग एप्लीकेशन को नहीं कर सकते अपडेट, ओके ठीक ओके अभी तक चल रहे, मतलब ठीक है भाई चलो तुम, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई ना वेट कर लेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये रहा हम लोगों का बंडल, और यहाँ पर मैंने API लेवल 24+ किया था, यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, ये रहा मिनिमम HD का 24, तो यहाँ पर शो हो रहा है 24+ है, और टारगेट HD का 32 है, और टोटल स्क्रीन कितना है 4, और ये सब लोग सब कुछ डिटेक्ट कर लेते हैं आपके एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखो, वर्सन कोड 4 हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, ट्राई अनदर वर्सन ऑफ कोड, ठीक है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया,
ओके ऐसा सीन है। करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दे देना है आपका रिलीज नोट है, मतलब आप लोग नया क्या क्या फीचर्स को जो है इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसको आप लोगों को दे देना है। तो मैं यहाँ पर कॉपी टू प्रीवियस करूँगा, तो प्रीवियस में तो ये लास्ट वाला है तो यहाँ पर मैं कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा फीचर्स आप लोग नया ऐड किए हो, तो ये आप लोग को डिफाइन कर देना इसके अंदर रिलीज नोट्स के अंदर क्या क्या नया फीचर्स आप लोग जो है ला के आए हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग को सिंपल क्या करना है, सेव करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो रिव्यू रिलीज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रिव्यू रिलीज कर दोगे तो उसके बाद आपका एप्लीकेशन रिव्यू में चला जाएगा और आपका एप्लीकेशन में सब कुछ सही रहेगा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा प्ले स्टोर में और आप अपने दोस्तों को सर्व कर सकते हो, देख भाई अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर में है, और आप लोग पैसे भी कमा सकते हो एड्स वगैरह लगा के। पर मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा अगर कोई आप एप्लीकेशन बना रहे हो और नया छोड़ रहे हैं तो प्लीज़ उसमें ऐड मत लगाओ, क्योंकि पहले थोड़ा सा एप्लीकेशन की इंप्रेशन अच्छा करना होता है, पहले इंप्रेशन अगर अच्छा हो जाता है उसके बाद आप ऐड लगाओ जो भी लगाओ, लोग मतलब आदत पड़ जाता है उस एप्लीकेशन का और ऐड लगाने से भी वो लोग एप्लीकेशन का यूज कर पाएंगे अच्छे से। ऐसा नहीं है कि वो लोग एप्लीकेशन छोड़ के चले जाएंगे आपके एड्स की वजह से, पर पहले ही अगर आप लोग ऐड दिखा दो कि जब आप रिलीज कर रहे हो तो या तब ऐसी ऑडियंस बेस कम रहता है और तब भी अगर इंप्रेशन खराब पड़ गया तो आपका एप्लीकेशन कोई डाउनलोड नहीं करेगा और वो किसी को रिकमेंड भी नहीं करेगा कि चलो यार अपना दोस्त को रिकमेंड कर देती है एप्लीकेशन अच्छा है, तो बोलेगा यार इसमें बहुत सारे एड्स है तो क्या ही बोले, इतना नया एप्लीकेशन है फिर भी इतना ऐड्स है, तो लोगों का सोचना ऐसा रहता है। पर एज ए डेवलपर पता है कि मतलब एप्लीकेशन के पीछे कितना मेहनत लगता है, उसका सर्वर मैनेज करना पड़ता है, उसका सर्वर खरीदना पड़ता है अलग से, तो ये सब चीज़ें हैं उसके लिए ही लोग ऐड लगाते हैं, ठीक है, और कुछ प्रॉफिट भी मिल जाता है, तो ऐसा सीन है। तो गाइस आज का वीडियो यहाँ तक ही था, आप लोगों को मतलब मैंने बता दिया कैसे आप लोग जो है प्ले स्टोर में अपना एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा ही आसान है, उतना दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को चीज़ों को क्रिएट करना होता है जैसे स्क्रीनशॉट लोगो, ये सब आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करके क्रिएट करना होता है और थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे ऐसा आप लोग जो है बनाना, नहीं तो लोग जो है इंप्रेशन खराब पड़ता है ना, ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर आप लोग प्ले स्टोर में अपलोड करना अच्छे से जान के तो समझ लो ना आप लोगों को मार्केटिंग तो आ गया है कि कैसे मार्केट किया जाता है अपना एप्लीकेशन, ओके ऐसा सीन है। तो गाइस आज का वीडियो यहाँ तक ही था और ये वीडियो का जो ट्यूटोरियल है वो तो मैंने बता दिया है कि जो क्लाउड बेस्ड जो एप्लीकेशन था क्लाउडी नोट्स नाम का, इसको जो है मैंने पहले से ट्यूटोरियल बना के रखा है, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में।